So finally got an admission into a college, or maybe you are in a college and you are feeling कि अब तो बहुत तगड़ी freedom मिल गई है, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, friends बनाएंगे, girlfriend बनाएंगे, boyfriend बनाएंगे, लोगों को पटाना, impress करना है ना, ये सब पूरा सबके dream में है. But do you actually know the reality of relationships into the medical college or any college? So hi everyone, I'm Dr. Kanika. And I'm Dr. Shivang. And welcome back to Dr. Duo. Well, there are two type of relations that a person can have. Number one, you get a perfect partner and you both complement each other, grow together and then become successful together. And the second relationship, जो कि थोड़ी ज्यादा कॉमन है अनफॉर्चुनेटली, यू बिकम इन अ रिलेशनशिप बट रादर देन कॉम्प्लीमेंटिंग आप एक दूसरे को अपोज करते हो समहाउ द अदर, योर फ्रीक्वेंसी डजंट मैच एंड यू बोथ आर एक्चुअली लाइक इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग यू बोथ गो डाउन टुगेदर एंड यू बोथ स्टॉप द सक्सेस ऑफ ईच अदर. सो इट्स नाउ अप टू यू टू डिसाइड व्हिच वन यू वांट. And I'm sure most of you want a relationship which was first told, that is, dono progress kar rahe ho, saath pad rahe ho. But do you think aise relationships zyada exist bhi karte hain in college? Believe us, in our experience, aise bahut hi kam relationships hote hain. I know that we all are like 18 plus and brimming up with hormones, hai na? Sabko man karta hai ki hum गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाएं, घूमें, हमें भी अटेंशन मिले, केयर मिले, एंड वी आर एक्चुअली नॉट अगेंस्ट रिलेशनशिप्स. ऑल वी आर ट्राइंग टू से दैट टाइम राइट नाउ इज वेरी प्रेशियस. सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने या टाइम पास करने के लिए मत आओ किसी के साथ भी, है ना. यू हैव टू थिंक एंड प्लान अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से आओ कि भाई हाँ इसके साथ हम सोच सकते हैं आगे का फ्यूचर. इसलिए नहीं कि चलो यार 5 साल का कॉलेज है, टाइम निकालना है तो बस आ जाओ किसी के साथ भी, और मतलब तुम बड़े कूल लगोगे कि हाँ हमारी भी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है. ये भी बहुत होता है कॉलेज में. हाँ, right. And actually, we have seen so many instances जहाँ पे आगे जाके वही लोग एक्सक्यूज दे रहे थे कि यार मैं अपने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में फेल हो गया, रादर फाइनल ईयर वाले भी बोलते मैं फेल हो गया या मुझे एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिली क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया था या इसके चक्कर में आ गया. व्हाट डू यू मीन चक्कर में आ गया था यार, यू आर 18 प्लस, यू हैव योर ओन ब्रेन्स, तुम खुद को फंसाए हो, तुमने खुद का सब टाइम वेस्ट किया अपना. एंड उससे ज्यादा तो वो लोग बेवकूफ होते हैं जो नीट क्रैक नहीं कर पाते उसके वजह से. कम ऑन मैन, यू आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर, योर एंटायर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर नीट पीजी एग्जाम एंड तुम कह रहे हो कि यू कुडंट क्रैक एट नीट पीजी बिकॉज सप्लीमेंट हो एक दूसरे का, आप एक दूसरे के साथ पढ़ सको. यस, यू नीड टू हैव योर ओन प्रायोरिटीज सेट एंड दे शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. इफ योर प्रायोरिटी इज टू क्रैक एन एंट्रेंस एग्जाम और योर प्रायोरिटी इज टू स्कोर रियली गुड इन एमबीबीएस, यू कैन नॉट थिंक ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप जस्ट टू वेस्ट योर टाइम या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में. आई सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स बीइंग इनटू इन रिलेशनशिप व्हिच इज वेरी टॉक्सिक. या ठीक है, बट हाँ मतलब बोथ ऑफ देम, बस क्योंकि उन्हें होना है, रहना है ऐसे रिलेशनशिप में. बट ये मत बोलो कि आप लोगों का अभी टारगेट बहुत अलग है. सी, अभी तुम्हारी पूरी फ्यूचर है पढ़ा और इतने लड़के या इतनी लड़कियां आने वाली हैं अभी लाइफ में, तो अभी पूरा फ्यूचर है. ऐसे नहीं कि एक के पीछे ही पढ़े रहो जिसके साथ शायद तुम्हारा आगे कुछ बनने ही ना. And coming to another point which just said कि आप एक के पीछे पड़ जाते हो, there's a common mentality that rejection breeds obsession. अगर हमें किसी चीज से rejection मिल जाए या वो चीज सामने वाला हमको ना पसंद करो तो we become obsessed with that, कि नहीं अब तो मुझे चाहिए ही. मतलब हम सारे ड्रीम्स अपने सपने बोल के हमारा वो ड्रीम बना लेते हैं. That is our main target instead of the main target which we should actually achieve. So that obsession is actually bad and it can lead to your downfall. Because if someone is not paying attention to you, बाहर में जाना है यार, वो नहीं तो कोई और. Obviously there are thousands and I mean millions of other girls or maybe boys for you all who may be the perfect for you and maybe much better जिसके पीछे आप already obsessed हो. So don't get into that cycle of obsession, that is very bad and will lead to your downfall for sure. अच्छा, and for example, if you are actually thinking that you are in a very good relationship and it is not at all toxic and obviously you both are mutually supporting yourself and each other, तो ऐसे केस में भी you always have to keep this in mind about your priorities. See, अगर तुम अगर एक अच्छा relationship चलाना चाहते हो, अच्छी married life जीना चाहते हो, for that you need cash. मतलब होता है ना, ऐश के लिए भी cash चाहिए. अगर तुम्हें money चाहिए तो उसके लिए you need to have a good degree, है ना. एंड डिग्री के लिए अभी तो तुम्हें एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं. एंड गाइस, इस समय एमबीबीएस की हार्डली कोई वैल्यू है. ट्रस्ट मी, यू नीड टू गेट अ पीजी बाय मिनिमम स्टैंडर्ड्स अगर आपको कहीं स्टैंड करना है. सो अगेन, उसके लिए आल्सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. सो इन शॉर्ट, यही कि मतलब
यू हैव टू रीच अ हाइट राइट नाउ, जो भी हम बहुत नीचे उस हाइट पे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है. सो इट्स बेस्ट कि दोनों मिलके आप वो मतलब अपना टारगेट बना के साथ पढ़ाई करो, साथ राइज करो, बट एक टारगेट लेके चलना है, फोकस्ड गोल जो कि बहुत नेसेसरी है. हाँ मतलब अब ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे बहुत रिलेशनशिप होते हैं कि पेपर है बट फिर भी किसी का मन करे नहीं यार आज घूमने चलते हैं, देख लेंगे कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. तुम्हारे पास पूरा साल होता है एंजॉय करने का. आई थिंक एग्जाम के लिए देयर इज नो वन हु इज एक्चुअली स्टडिंग द होल ईयर, मोस्टली यू स्टार्ट स्टडिंग बाय लाइक लास्ट 2 months 3 months, है ना. तो उस टाइम पे तुम्हें पूरी तरह से फोकस होना चाहिए, एक दूसरे का डिस्ट्रैक्शन मत बनो, सपोर्टिव बनो. एंड मतलब एक होता है गुड क्रिटिसिज्म होना चाहिए आप दोनों में, बहुत ज्यादा मतलब बहुत नेसेसरी ये चीज है. एंड गाइस नाउ लेट्स फेस अ वेरी हार्ड रियलिटी, अभी हमारी कोई औकात नहीं है. टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ यू ऑल एंड एवरीवन इज सर्वाइविंग ऑन द पेरेंट्स मनी. आप ऐसे पैसों पे उसको घुमाने ले जा रहे हो, यू आर गोइंग टू कैफे फॉर अ कॉफी और एनीवेयर, उन पैसों पे जो आपका है ही नहीं, वो आपके पेरेंट्स का पैसा है बेसिकली. सो पहले तो सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज अपना खुद का एक वो बनाना है कि लाइक अपना स्टैंड लेना है. I mean, obviously, once you start earning and once you have a responsibility and you are, I mean, sufficient enough to, I mean, take care of yourself and then someone else, then you have a stand and then you can actually do something. But अभी तो कुछ नहीं है यार, अभी तो आप basically बहुत nurturing stage पे हो. So उस तरह सोच के रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना. वही पॉइंट है कि तुम कब तक अपने पेरेंट्स के मनी पे अपनी गर्लफ्रेंड को चलाओगे. एक टाइम तक बहुत सही लगता है बट बिलीव मी इवन द पार्टनर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड कि यार तू खुद तो कुछ कमा ले, है ना. एंड स्पेशली मतलब आज के टाइम में अनडाउटेडली बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर अर्निंग, पर थोड़ा प्रेशर लड़कों पे कंपैरेटिवली ज्यादा होता ही है. सो यू पीपल हैव टू गेट दैट स्ट्रेट कि ये टाइम अभी तुम्हारा करियर बिल्डिंग का टाइम है, ना कि ये सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने का टाइम है. और इसीलिए अगेन दैट पॉइंट, ऑब्सेस किसी पे नहीं होना है, क्योंकि आप किसी को ऑब्सेस होगे तो आप खर्चा कैसे करोगे उसके ऊपर यार. क्या पेरेंट्स के पैसों से लेकर आप किसी पे अपना ऑब्सेशन नहीं दिखा सकते हो. या तो अपने आप को पहले सेल्फ रेजिलिएंट एंड इतना वो बनाओ, उस लाइफ तो बनाओ. अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो देन ट्रस्ट मी देयर विल बी सो मेनी ऑप्शंस एंड देयर विल बी सो मेनी अदर गर्ल्स एंड बॉयज विल बी एक्चुअली कमिंग आफ्टर यू, यू डोंट हैव टू रन आफ्टर देम. बट अभी आप उस लाइफ ही नहीं हो देन आई मीन व्हाई आर यू इवन फाइटिंग फॉर इट, राइट. सो मतलब अपने आप को अगर ऑब्सेस बनाना है तो मेक दिस थिंग इन माइंड कि तुम ऑब्सेस इस चीज के लिए हो कि तुम्हारी स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, करियर अच्छा होना चाहिए. इस चीज के लिए आपका ऑब्सेशन होना चाहिए रादर देन कि ये गर्लफ्रेंड हमें मिल जाए, ये बॉयफ्रेंड मिल जाए, हम सबसे हॉटेस्ट बन जाए या हम ये हो जाए, ना. ये चीजों का कुछ भी वैल्यू नहीं है. इवन द पीपल हु आर नॉट एक्चुअली आई वुड से नॉट दैट वेरी गुड लुकिंग, व्हेन दे बिकम वेरी गुड एट देयर करियर दे लुक अमेजिंग. देयर पर्सनालिटी, वो करिश्मा, वो चीज एक्चुअली में मतलब बिल्कुल डाइंग नहीं होती. मतलब हियर देयर इज अ कोट व्हिच आई वुड लाइक टू स्टेट, समथिंग व्हिच आई हैव बीन ऑलवेज रीडिंग एंड फॉलोइंग इज बाय मिशेल ओबामा. इट इज लाइक कि आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स बट इट सेज दैट इफ आई वुड हैव बीन फाइंडिंग आउट बॉयज एंड लाइक हु आई हैव टू डेट ड्यूरिंग माय कॉलेज इयर्स देन आई वुडन्ट हैव एवर गॉट बराक ओबामा इन माय लाइफ. So it's just that you have to build yourself, create yourself, be the best version of yourself. Then only you will get a person who would be again best in their own ways. Right. दोनों best तभी मिलेंगे. ऐसे नहीं होगा कि तुम best नहीं हो और तुम्हें कोई best मिलेगा. And same चीज वैसे वैसे भी imply होती है. अगर कोई बहुत dashing, smart या young, hot सी girl, वो भी एकदम dumb लग सकती है. If she is or he is not very successful in his career. So ये तो hardly matter करता है यार. Long run के बाद तो it has no value at all. ये चाहिए ये. And for that, you need time, you need experience. Right, you need to have this motto that you need to be like a beauty with brains kind of thing. Right. ऐसे नहीं हो सकता कि एक जगह तुम बिल्कुल ही zero और एक जगह तुम बहुत ही अच्छे हो, है ना? वही बात है यार, सुंदर के साथ क्या करोगे, सोने की चिड़िया वाली सीन है. अगर इंटेलिजेंट सामने वाला नहीं है तो फिर लोग सब तो कोई फायदा ही नहीं है. Right. So here we come to our point that being into relationship is not bad, but you need to follow and not forget your career. Also, college में ये बहुत ज़्यादा होता है. मतलब I'm not talking about the people who are in final year, maybe उनको तो बिल्कुल habit हो गई होगी. But especially for you students जो अभी जा रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा उनके friends की girlfriend रह चुकी है और वो उनकी नहीं रहेगी, वो बिल्कुल अकेले हैं. तो उनका ये target होता है कि यार अब तो college में जा रहे हो तो girlfriend बना के ही रहेंगे, चाहे कोई भी मिल जाए. तो ये पीयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मे भी शायद तुम्हारे एक फ्रेंड सर्कल हो जिसमें सबकी गर्लफ्रेंड हो और तुम बिल्कुल अकेले लोनर हो वहाँ पे. तो ये पीयर प्रेशर बनता है. सही में. और आधे से ज्यादा रिलेशनशिप कॉलेज में इसलिए बनते हैं क्योंकि फ्रेंड्स तुम्हें पुश करते हैं.
सही में अभी तुम अगर कॉलेज में जाओगे तुम्हें पता चलेगा मेनली कपल्स डीएच हॉल में ही बन जाते हैं, जो टेबल पे तुम्हें जैसे तुम्हारे टेबल बनता है 10-10 ग्रुप बन के 10 लोगों का ग्रुप बन जाता है, उसी में ऐसे ऐसे कपल बन जाते हैं सबके साथ। एंड योर फ्रेंड्स सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक आई थिंक 50% रिलेशनशिप्स कम हो जाए अगर पीयर प्रेशर वाला फैक्टर कम हो जाए कॉलेजेस। हां एंड लेटर ऑन कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस ये होगा कि तुम लोगों पे ही लॉस होगा, तुम लोग लेटर ऑन रिग्रेट करोगे यार इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया जब कुछ मतलब आगे जाके कुछ होना ही नहीं था, फ्यूचर ही नहीं था, एंड कितना एनर्जी टाइम मनी सब कुछ वेस्ट होता है। सो यूज योर ओन ब्रेन्स एंड डोंट गो बाय समवन एल्स ब्रेन। इफ यू आर थिंकिंग दैट शी इज और ही इज राइट फॉर यू देन आई मीन डोंट गो अंडर द प्रेशर कि यार उसने बोला है इसलिए। अगर आपको सही लग रहा है एंड इफ यू आर एक्चुअली लाइकिंग हिम और हर बाय योर ओन हार्ट देन गो फॉर इट एंड नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ समवन एल्स। सो द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि अपने हॉर्मोन्स को बिल्कुल कंट्रोल करो। ये अभी दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू शुड इन्वेस्ट your energy into a relationship which is not worthful. Right. Don't let your heart take over your brain at this time. Yes, so you'll definitely get that right moment, right time when you find your perfect match. In the end guys, just remember, if you are successful, you'll get the perfect one. And maybe if you're not getting that perfect one, then that perfect one is not so perfect for you. So just invest everything in yourself, grow up, become the most successful man or woman you can ever be. And then just wait and watch and let the magic happen. Exactly. Be the best version of yourselves and see how you would attract the best people of this entire world. So I think this video helps you all. Even if you're facing a breakup, this will help you. We have also created one video on breakup here. So ye sari cheezon pe focus karo, apne career pe focus karo and अमेजिंग होने वाला है सब कुछ, यू जस्ट फाइंड द परफेक्ट मैच, राइट? सो दैट इज इट फॉर टुडे एवरीवन, वी होप दैट यू लव दिस वीडियो एंड इफ यू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स मेक दिस चैनल अ वेरी बिग सक्सेस टुगेदर बिकॉज़ आई शुड नॉट लेट इट गो सेव ऑल द फन। बाय एवरीवन।